हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है और आप में से बहुत से लोगों ने बोला कि रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर डिस्कस किया जाए, तो आज हम रेलवे ग्रुप डी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट इंग्लिश में है और हम हिंदी में इस क्वेश्चन को बताएंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक बहुपद दिया हुआ है 6x² + 3x - 5x + 1, यानी कि 9x² - 5x + 1। यहाँ पर एक ये बहुपद दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 1 अपान α + 1 अपान β की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, जो एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए होता है, यानी 5/9। ये हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपान ए, यानी कि 1/9। तो यहाँ पर हो गया 1/9, बीच में डिवाइड है, तो जो दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका सी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 315 मार्बल को 3 व्यक्तियों में 7:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। देखिए, तीनों को ऐड करेंगे, 7, 3, 10, 5, 15 बराबर कितना दिया हुआ है, 315 बराबर 315 दिया हुआ है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 1, यानी 1 बराबर 21 आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हाउ मैनी मार्बल्स डिड अमन गेट कंपेयर टू अशोक, यानी कि अमन को अशोक से कितने ज़्यादा मार्बल मिले। तो अमन को अशोक से कितने ज़्यादा मार्बल मिले, दोनों में जो रेशियो है उसका डिफरेंस देख लेते हैं। 7 में से 3 घटा दिया तो बचा कितना, 4। ठीक है, हमको 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू है 21, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 84। तो इसका 84 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरिमा और उसकी बहन दोनों मिलकर एक दीवार पर 45 दिनों में पेंट करते हैं। ठीक है, तो 45 दिन में दोनों मिलकर पेंट करते हैं, और जब गरिमा अकेले काम करती है तब वो 81 दिनों में करती है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, जो वर्क के बराबर होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 81 × 5, यानी कि 405। ये यहाँ पर हो गया टोटल वर्क कितना है, 405 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर 45 वाले की एफिशिएंसी निकाली जाए तो ये हो जाएगी 9, और 81 वाले की, यानी कि जब गरिमा की एफिशिएंसी निकाली जाएगी तो ये हो जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि काम खत्म होने के 9 दिन पहले, काम खत्म होने के 9 दिन पहले उसकी बहन काम छोड़ के चली जाती है। तो यानी 9 दिन तक गरिमा ने अकेले काम किया और गरिमा की एफिशिएंसी 5 है, 9 दिन तक टोटल काम किया, तो यानी 9 × 5 काम किया। लास्ट के 9 दिनों का काम हम निकाल रहे हैं, तो लास्ट के 9 दिन कितना काम हुआ है, 45। तो 45 काम लास्ट के 9 दिनों में हो चुका है, और कितना काम बचा है, तो यहाँ से बचा हुआ काम निकाल लेंगे। बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, 360 काम बच चुका है, यानी बचा है। वो काम किसने किया है, लास्ट लाइन में बोला है कि काम खत्म होने के 9 दिन पहले उसकी बहन छोड़ के चली जाती है। इसका मतलब है 9 दिन से पहले जो काम किया गया वो दोनों ने मिलके काम किया है, और दोनों के मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 9 एफिशिएंसी है। तो 360 काम है वो 9 की एफिशिएंसी से किया गया है, 360 काम है वो 9 की एफिशिएंसी से किया गया है। तो टोटल कितने दिनों में किया गया है, 40 दिनों में किया गया है। दोनों ने मिलकर 40 दिन काम किए हैं, फिर लास्ट के 9 दिन गरिमा ने अकेले काम किया है, तो टोटल काम कितना हो गया, 40 + 9 = 49 दिन टोटल काम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1 साल पहले पिता की पुत्र की आयु की 9 गुनी है। 1 साल पहले जो पिता की आयु है 9 गुनी है, तो दोनों में अनुपात लिख लेंगे 1:9। ये कब का दिया हुआ है, 1 साल पहले का, तो इसके लिए हम -1 का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं 3 साल बाद, तो यहाँ पर कर दीजिए 3 साल बाद +3। 3 साल बाद जो पिता की आयु है वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 1:5, इसका रेशियो हो जाएगा 1:5। अब देखिए यहाँ पर ये जो आयु दी हुई है वो 3 साल बाद की दी हुई है, तो इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:10। ये 2:10 हो गई 3 साल बाद की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, 1 बराबर 4।
एक बराबर चार आ गया तो इसका मतलब है जो पिता की आयु है वो 36 वर्ष है, कब है, एक साल पहले, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, चार वर्ष, एक साल पहले। पुत्र की आयु चार वर्ष हो जाएगी एक साल पहले, यानी वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है, पांच वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 37 वर्ष। और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगले साल आकाश की आयु कितनी होगी, आज है पांच वर्ष तो अगले साल कितनी हो जाएगी, अगले साल 6 वर्ष हो जाएगी। तो इसका जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जो यूनिट डिजिट होती है वो या तो 1 होनी चाहिए, या फिर 4 होनी चाहिए, या 9 होनी चाहिए, या फिर 6 होनी चाहिए, और या फिर 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 2 होने चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, और इसके साथ साथ में 2 और 5 होना चाहिए, 25। तो यहाँ पर इतना हमको पता है कि यूनिट डिजिट पर ये होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं, देखिएगा, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 1250, तो 1250 इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसमें 2 जीरो होने जरूरी थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, एक ऑप्शन हमको मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 10/15। ठीक है, और इसको जब आगे कट करोगे तो हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/5। तो 2/3 × 5, क्योंकि वो भाग में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10/3। और आगे कह रहे हैं 3/12 × 10/3 कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5, यहाँ बचा 6, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 5/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पाइप सी है, एक पाइप डी है, दोनों जो है 4 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं, यानी एक पाइप है सी, दूसरा पाइप है डी, और दोनों जो है एक 4 घंटे में भरता है और एक 5 घंटे में भरता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे कितना होगा, टोटल वर्क हो जाएगा 20, सी वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, डी वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि पाइप सी को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, यानी 3 घंटे तक पाइप सी चलता है, 3 घंटे तक पाइप सी चल रहा है, यानी कि 5 × 3 यानी 15 हो गया, 15 काम हो चुका है, कितना काम बचा है, 20 − 15 यानी 5 काम बचा हुआ है। ठीक है, पाइप डी को ओपन किया जाता है तब ये कितनी देर में भरेगा, 5 काम बचा हुआ है, कितनी एफिशिएंसी से किया जाएगा, 4 की एफिशिएंसी से किया जाएगा, तो 5/4, 5/4 कितना होता है, 1.25। ठीक है, तो इसका जो है 1.25 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये कितना हुआ, प्लस का 4, इसमें 1 ऐड किया 5 हो जाएगा, फिर 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 15, और यहाँ पर कितना हुआ, 7, 52 में से 7 गया, ये बचा यहाँ 45, 45 / 15 ये कितना हो गया, 3, तो इसका जो है 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये जो एक ट्रेंगल है उसका जो है आपको एरिया निकालना है, डेल्टा बराबर 1/2 (x1 - y3) + x2 (y3 - y2) + x3 (y1 - y2). तो ये इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर हो गया 1/2। ठीक है, x1 कितना है, -4, तो -4 ब्रैकेट, उसके बाद है -5 + 2, फिर उसके बाद +x2 - 3 ब्रैकेट, ये हो जाएगा -2 + 2, फिर उसके बाद +x3 कितना है, 3 है, +3 ब्रैकेट x1 - x2, आगे है y1 - y2, यानी कि -2 + 5। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर हो गया 1/2, ये हो गया -3 और -4, ये हो गया 12, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0, और ये कितना है यहाँ पर, +3 × 3 = 9, 12 + 9 = 21, ये हो गया 21/2, मतलब कि 10.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10.5, जो इसका यूनिट है वो स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन 153 मीटर और 127 मीटर लंबी हैं। ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक ट्रेन इधर आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रही हैं, और एक दूसरे को 7.2 सेकंड में पार करती हैं,
तो दोनों की जो है स्पीड निकालनी है, कंबाइन स्पीड दोनों की कितनी होगी। तो स्पीड के लिए फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दोगे 153 प्लस 127 करोगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 7 1 8 280। यहाँ पर 280 स्पीड आ गई, सॉरी डिस्टेंस 280 आ गई। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 7.2, यहाँ पे टाइम 7.2 हो गया। तो इतनी जो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको 18/5 से डिवाइड करना, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.4, पॉइंट यहाँ से कैंसिल किया, ऊपर हो गया 4 और ये हो गया 700 और 5 से इसको कट किया तो ये हो गया 1440। जो इसकी स्पीड आएगी वो 140 किलोमीटर पर आवर आएगी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहां से चेक करेंगे, ये है 4, 4 का क्यूब होता है 64 और ऑलरेडी उस पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहां पर है अंडर रूट 32 और ये 4। ठीक है, 32 को यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 और ऑलरेडी पावर कितनी लगी हुई है, 1/4 है, तो यहाँ से ये 2 की पावर 5/4 आ रहा है, या यू कह लें इसको 2√4 और ये इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, बाकी सारी जो है एक परफेक्ट नंबर हो गई है, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अगला, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 512 आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी 512 के कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 512 को आप लिखोगे 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर 9, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 9 × 1 = 10, इसके टोटल 10 फैक्टर हो जाएंगे। कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे, 1, 2, 4, फिर 8, 16, 32, 64, फिर उसके बाद 128, 256, उसके बाद 512। तो यहाँ पर टोटल 10 फैक्टर हमने लिख दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फैक्टर हो गए। अब कह रहे हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 256 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से केवल 5 हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो इसका जो है ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार है जो एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और 15% हानि पर बेचता है, इस प्रोसेस में उसको टोटल 35 रुपए का जो है प्रॉफिट होता है। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि ये If the cost price of item sold at 25%, जो आगे कह रहे हैं कि जो 25% लाभ पे वस्तु बेची गई है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो जो 15% लॉस वाली है उसकी प्राइस से दोगुनी है, यानी 25% लाभ वाली वस्तु की जो कीमत है, लागत है, वो दुगुनी है 15% हानि वाले से। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि एक की कीमत है 200 जिस पे उसने 25% का लाभ लिया है, और दूसरे की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 जिस पे उसने 15% का हानि हुआ है। हमने 200 और 100 मान लिया। उसके बाद अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 200 का 25% कितना होता है, 200 का 25% प्रॉफिट है तो कितने में वस्तु बेची जाएगी, 200 का 125%। तो ये वस्तु बेची जाएगी 250 रुपये में, ठीक है। और जो 100 रुपये की वस्तु है वो 15% हानि पर बेची जाती है तो कितने रुपए में बेची जाएगी, 100 की वस्तु 15% हानि में बेची जाएगी तो ये वस्तु बेची जाएगी 85% पे, यानी 100 का 85%। तो ये टोटल हो गया 85। अब यहाँ पर हम टोटल इसका निकाल लेंगे कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 × 8 = 13, 335। 300 रुपये की वस्तु है क्योंकि टोटल जो है वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है दोनों की मिला के 300, कितने में बेची गई है 335 रुपये में बेची गई, कितना प्रॉफिट हुआ, 35 रुपये प्रॉफिट हुआ, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, 35 = 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 = 35 हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम,
जो दोनों आइटम है उनकी कॉस्ट प्राइस का सम कितना होगा, जब 35 बराबर 35 है तो 300 बराबर 300 हो जाएगा, तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वस्तु 15 मीटर 4 सेकंड में तय करती है, फिर जो है 16 मीटर 3 सेकंड में तय करती है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 प्लस 16 यानी 31, टोटल टाइम कितना है, 4 प्लस 3 यानी 7, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो एक गोला है वो कितने गोले मिलाए जाएं कि 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोला मिल जाए। इसके लिए फार्मूला है n स्मॉल r क्यूब यानी छोटे वाले की त्रिज्या बराबर कैपिटल r क्यूब यानी बड़े वाले की त्रिज्या। n हमको निकालना है, स्मॉल r कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो ये हो गया 1 बराबर, कैपिटल r कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 216, यानी हमको छोटी 216 गेंदों की आवश्यकता होगी एक बड़ी गेंद बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 3x² प्लस ax प्लस 4, ये जो है x माइनस 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो हमको a की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस 8 इसको कम्प्लीट डिवाइड करता है तो x बराबर 8 रखने पर भी इसका मान 0 आना चाहिए, तो x बराबर 8 यहाँ पर रख दो। एक्स स्क्वायर मतलब 64 गुणा 3 प्लस ए एक्स मतलब ए इंटू 8 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 8 ए बराबर 64 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 18 1 19 192, 192 माइनस का हो गया उधर जाएगा, माइनस का 4 हो गया और ये हो जाएगा 4 2 6 माइनस का 196, 8 ए बराबर माइनस 196, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 196/8 वो भी माइनस का, तो 8 2 16 और 8 4 32.5 यानी -24.5 आ गया, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके से डेली नए नए पेपर का जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके का इसका स्टैंडर्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।